हाय गाइस, सो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी स्प्राउट चाट। तो ये 5 मिनट में बन जाएगी आपकी रेसिपी और साथ साथ बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और साथ ही आपको बहुत सारे बीमारियों में वेट लूज करने में भी हेल्प करती है। आपके कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लेंगे ये मूंग दाल, साबुत मूंग की दाल है, उसे रात भर आप एक गीले कपड़े में बांध कर रख दीजिए। तो इस तरीके से एक रात में ही आपके इस तरीके से स्प्राउट्स निकल जाएंगे। बस आप इसे कुकर में डालिए और साथ में डाल दीजिए एक कटोरी पानी। तो ये अगर मेरे पास एक कटोरी स्प्राउट्स है तो एक कटोरी ही मैंने इसमें पानी डाला है। बस अब ऊपर से लगाएंगे हम इसमें ढक्कन और एक सीटी आने तक पकाएंगे। अब जब कुकर की सारी गैस निकल जाए तब आप ढक्कन को खोलें और इसे छान लें। अब आप लें अपनी फेवरेट सैलेड वाली सब्जियां, जिसमें मैंने लिया है टमाटर, प्याज और खीरा, और उसमें डाल दिए हैं अपने स्प्राउट्स। बस स्प्राउट्स डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों में आप डाल सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है तो ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। साथ साथ थोड़ा सा काला नमक, ये डाला मैंने जीरा पाउडर। साथ साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाले में भी नमक होता है तो आपने ध्यान से डालना है चाट मसाला। ये चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें डाला मैंने थोड़ा सा वाइट नमक और थोड़ी सी काली मिर्च। तो बस ये मसाले डाल दिए हैं। अगर आपके पास चटनी अवेलेबल हैं तो आप इसमें लाल और हरी चटनी भी डाल दीजिए तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट इसमें आ जाएगा। और एंड में जब आपको सर्व करना है तो आप बस इसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिए और आपकी सैलेड ऑलमोस्ट रेडी है। इस सब को हम मिक्स करेंगे और ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए आप इस पर हरी मिर्च डाल सकते हैं अगर आपको तीखा पसंद है। नहीं पसंद है तो आप सिर्फ इस तरीके से धनिया डाल दीजिए, हल्का सा मिक्स करिए और आप इसको सुंदर से बाउल में सजाकर अपने फैमिली को दीजिए। उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये चाट, तो इसे ज़रूर ट्राई करिए। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।